अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दादी, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। हम जाके आपके लिए चाय लेकर आते हैं। चलिए दी। आप दी, आपने रानी को कहीं देखा है? नहीं, जब से कीर्तन अरेस्ट हुआ है ना, तब से हमें उन्हें कहीं भी नहीं देखा। आप एक काम कीजिए, आप नीचे देखिए, हम ऊपर देखते हैं कि मंदिरा आंटी कहाँ है। यहाँ पे भी नहीं, कहाँ जा सकती है? शक्ति, हाथी मिली? नहीं, अगर मंदिर आंटी घर पे नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? वाइफी, चलो कहाँ? खाना खाने। तुम्हें पता है मैंने ना सुपर विलन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो डॉक्टर शिव, बाद में, अभी फिलहाल हम बहुत टेंशन में। तुम टेंशन में हो? पता है जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मैं बहुत खाना खाता हूँ, बहुत मजा आता है। जो खाना होता है ना वो सुपर हीरो होता है, और जो टेंशन होता है ना वो सुपर विलन होता है। जब खाना पेट में जाता है ना तो सुपर हीरो का काम करता है और सुपर विलन को मार देता है, इसका नाम है टेंशन। तो चलो खाना खाते, चलो 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 चलो। अरे चलो डॉक्टर शिव, रुकिए, चलो चलो चलो। एक मिनट, डॉक्टर शिव, क्या इतना सारा खाना? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? सुबह से तो आपने भी नहीं खाया। हाँ, तो हमें ना एक ही प्लेट में खाएंगे, हस्बैंड वाइफ है ना, इससे है ना वो प्यार बढ़ता है। अच्छा, ये बात आपको किसने सिखाई? दादी ने। हम खुद खा लेंगे। आप क्यों? मैं अपनी वाइफी को नहीं खिला सकता हूँ क्या? वाइफी तुम्हारे ना सच में बहुत नखरे हैं, सब कुछ अभी सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो चुपचाप खाना खाओ। अकेली ही खा रही हो, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूं, मुझे भी खिलाओ। बात तो सही कही आपने। जब से आ गए हो जिंदगी में मेरी तुम, जब से आ गए हो जिंदगी में मेरी तुम, साथ मेरे चलना मेरा साया बनके तुम, साथ मेरे चलना मेरा साया बनके तुम। दिल तुझसे जुदा हो जाए मर जाएंगे हम, दिल तुझसे जुदा हो जाए तो मर जाएंगे हम। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तीखा है क्या? ये लो लो लो, पानी पी लो। मैं चीनी लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर शिव, हम ठीक है, ये ना खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू?
बट खुशी के आंसू कैसे हो सकते हैं? खुशी की तो हंसी होती है ना वाइफी, तुम्हें नहीं पता LOL ROFL सुना नहीं है तुमने? खुशी के भी आंसू होते हैं, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना तो ROFL की तरह ये आंखों में से आंसू रोल आउट होने लगते हैं। तो ठीक है, तो तुम्हें LOL वाले हैप्पी वाले आंसू अलाउड है, सैड वाले आंसू नहीं अलाउड है। ओके, खाने के पहले, खाने के वक्त और खाने के बाद तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना है। ओके, स्माइल करो, खिलाओ, खी लीजिए। नहीं 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 डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आप? ये हम ले जाते हैं। क्यों? झूठे बर्तन है, आप क्यों लेके जाएंगे? नहीं, 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 तुम भी तो झूठे बर्तन लेके जाती हो, तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकता? बेटा, ये झूठे बर्तन उठाना लड़कियों का काम होता है। नहीं दादी, लड़की और लड़की तो इक्वल होती है ना, तो वाइफ ही उठा सकती है तो हस्बैंड भी तो उठा सकता है ना। जिसको प्यार करते हैं ना, उसके झूठे बर्तन उठाने में बुरा नहीं लगता किसी को, उठाने दो। हाँ दादी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पापा से प्यार करता हूँ, वाइफी से प्यार करता हूँ, तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना, हम तो इक्वल है ना डॉक्टर शिव। पर शक्ति, शिव बिल्कुल सही कह रहा है, हम ज्यादातर लड़कों को गलत सीख देते हैं। इसने बिल्कुल सही बोला, जब लड़का लड़की समान है तो दोनों के हक भी समान होने चाहिए, और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी दोनों में समान बांट देनी चाहिए। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। बेटा, प्लेट रख हवा अंदर। ओके दादी, देखा वी आर इक्वल, कितना सिखाना पड़ता है तुम्हें। छोड़ो, शक्ति बेटा, तेरा ये प्यार ही हमारे शिव को बिल्कुल ठीक कर देगा एक दिन। सिर्फ हमारा प्यार नहीं दादी, हम सबका प्यार। तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर शिव का ख्याल रखें और उन्हें मंदिर आंटी से बचाएं। लेकिन फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि मंदिर आंटी आखिर चली कहां गई है। बेल मिल गई, चले। नहीं बेटा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ना, तो इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।